हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये है मेरी टाटा टिगोर 2017 वेरिएंट है। ये टॉप एंड मॉडल है पेट्रोल में, एग्जिट ऑप्शनल। 2017 में लिया था हमने ये, एंड तब 2017 में टाटा मोटर्स ने ये इंफोटेनमेंट दिया था टिगोर में, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, स्क्रीन छोटी है बट बहुत अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। कंपटीशन की मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि सब में अलग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आती हैं, तो मैं बोलूँगा ही नहीं उस बात पे, तो ठीक है। बट जो टाटा टिगोर का फेसलिफ्ट आया था 18-19 में जो आया था इनका, फिर 20 में जो उन्होंने मेजर फेसलिफ्ट दिया है उसमें इन्होंने इंफोटेनमेंट ही चेंज कर दिया पूरा। एक उन्होंने प्रॉपर 7-8 इंच का, 7-8 इंच का दे दिया, एक पूरे प्रॉपर टच स्क्रीन दिया इन्होंने। बट जो चीज इसमें मुझे अच्छी लगती है ना, वो चीज मेरे को उसमें बहुत गंदी लगती है। इसमें अच्छी चीज ये है कि इसमें फिजिकल बटन्स मिलते हैं आपको हर एक चीज के लिए, ठीक है। आपको सारे फिजिकल बटन्स मिलते हैं इसमें, यहाँ पे भी ये सारे, एंड ये ग्लो भी करते हैं। आपको यहाँ इसमें विजिबल होगा जो इनके डायल्स हैं, ठीक है। डिस्प्ले भी डिम होता है इसका, ठीक है। जो फिजिकल बटन्स इसमें मिलते हैं ना, वो चीज उसमें नहीं मिलती। तो मेरे को, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी इट्स लाइक लव इट हेट इट, ठीक है। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पुराना ज्यादा पसंद आएगा, बट मेरे को ये वाला ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को तो हर चीज के लिए बटन्स दिए हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को इसमें वॉल्यूम का बटन है फिजिकल, ठीक है। तो अगर मैं कार एकदम से स्टार्ट भी करता हूँ ना, तो मैं इससे वॉल्यूम एकदम से जीरो कर सकता हूँ, ठीक है। बट जो चीज उसमें है, उसमें क्या है, उसको स्क्रीन को पहले पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जब स्क्रीन पूरी ऑन हो जाएगी तभी आप उसको टच कर पाओगे, जो उसका वॉल्यूम के जो भी टच वाले हैं, ठीक है, तब जाके तो वॉल्यूम जीरो होगी। टच रिस्पॉन्स अच्छा है उसका, ऐसी बात नहीं है। जो इसका रिस्पॉन्स है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, टच तो आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा स्लो है मैं कहूंगा, ठीक है। ये स्क्रॉल बटन, आप इससे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें ऐड शॉर्टकट्स आ रहे हैं, आप इसमें शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे मीडिया से मैं कुछ भी, जैसे जो मेरे को USB चाहिए, आईपॉड ऑक्स, ब्लूटूथ SD कार्ड, किसी का भी शॉर्टकट चाहिए तो मैं वहाँ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फोन का, रेडियो का सेटअप, व्हीकल, सब कुछ भी डाल सकता हूँ मैं शॉर्टकट्स में, ठीक है। इसमें मेरे को वॉइस कमांड भी मिलता है, नेविगेशन इसमें मिलता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलेगा आपको, बट आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। आप इसमें वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, बट वो वीडियो आपकी चलेगी 360 pixels तक ही या उससे नीचे की, बट उससे हायर नहीं चलेंगी, ठीक है। एंड इसमें आपको वीडियो आप प्ले कर सकते हो उसमें आप, ठीक है, आराम से प्ले होगी, बट एक कंडीशन पे प्ले होगी। गाड़ी उसके लिए बिल्कुल स्टिल होनी चाहिए, 0 की स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की, या 10 से नीचे। 10 की स्पीड क्रॉस करी जैसी गाड़ी ने, आपकी वीडियो बंद हो जाएगी। ये एक सिक्योरिटी फीचर है इसमें, नो ब्लूटूथ कनेक्ट। अभी ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लेते हैं हम एक बार, ये बीप साउंड करेगा 2 बार जब ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। जो पहली साउंड आई थी ना ब्लूटूथ की, बीप वाली, जो डबल बीप मारी इसने, वो थी इन सिग्नल्स के लिए। ये जो भी सिग्नल आ रहे हैं ना मेरे फोन में, ये बैटरी और ये मेरा सिग्नल्स उसका सिम कार्ड का, ठीक है, ताकि मैं अगर किसी को फोन करूँ ना तो वॉल्यूम कटे ना, आवाज ना कटे, ठीक है। और दूसरा जो बीप मारे ये, वो था ताकि मैं अपना म्यूजिक कनेक्ट कर सकूँ इससे, ताकि ये मेरा म्यूजिक को एक्सेस कर ले, ठीक है। दूसरा बीप साउंड तो इसलिए था। अब हम इसके सेटअप्स पे जाते हैं, तो सेटअप्स पे आपको व्हीकल सेटअप, टर्न ऑन इग्निशन,
व्हीकल्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सेंट्रल लॉकिंग है, ड्राइवर वे लॉक, व्हीकल ऑटो रिलॉक, ठीक है। पार्क असिस्ट में मैं खड़ी गाड़ी में इसका पार्क असिस्ट ऑन कर सकता हूँ, रियर कैमरा, इन शॉर्ट आप देख पा रहे होंगे, ये इसका रियर कैमरा का व्यू है। कैमरा अच्छा है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, ब्राइट भी है। पार्क असिस्ट वॉल्यूम की इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए जब भी आप रिवर्स कैमरा ऑन करो इसका, बाकी नॉर्मल वही है। ये इसका एक्सटीरियर लाइट्स, ये आपका काइंड ऑफ फॉलो मी हेडलैम्प्स का है ये, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब गाड़ी, रात को दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से एक बार। यहाँ से अपना ऑडियो सेटअप कर सकते हैं, बेस, ये सब तो नॉर्मल चीज है, बट जो इसका साउंड सिस्टम क्वालिटी है ना, सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसमें आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं हारमन के, 4 ट्विटर मिलेंगे आपको, 4 स्पीकर्स मिलेंगे, एंड बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी स्पीकर्स की। बाकी इसमें नॉर्मल कुछ भी नहीं है, जनरल में आपका टाइम, डेट, ये सब हो गया। वॉल्यूम में आपका स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम हो गया, फोन ऑडियो स्टार्टअप वॉल्यूम, ये सब है इसमें। स्पीड डिपेंडेंट ऐसे काम करेगा, जब आपकी कार की स्पीड 100 की स्पीड क्रॉस कर जाएगी ना, ठीक है, तो जो इंफोटेनमेंट की जो वॉल्यूम है वो अपने आप कम हो जाएगी, ताकि जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो हाई स्पीड्स में और हाई वॉल्यूम पे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बात करने को वैसे तो, बट जो चीज ये है वो सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। यहाँ से मैं उसको वॉल्यूम को म्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, अनम्यूट कर सकता हूँ, और इसी बटन से मैं अपना ऑडियो सेटअप पे जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये FM में काम करेगा, या अगर मेरा वो मीडिया कनेक्टेड है, जैसे भी कुछ भी स्पॉटिफाई यूज करता हूँ वैसे तो मैं, अगर मेरा वो कनेक्टेड तो इसको भी काम करेगा। अभी मैंने FM को स्विच किया है तो मैं, ठीक है, मैं दूसरे स्टेशन पे जा पा रहा हूँ। तो ये सब है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको वॉइस कमांड दिखाता हूँ इसका कैसे काम करता है। सेट फैन स्पीड टू 1, कमांड नॉट अवेलेबल। क्योंकि अभी AC ऑन नहीं है, ठीक है। मैं AC ऑन करता हूँ, फैन की स्पीड 1 है, मैं वो कार भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, अब देखना आप, फैन की स्पीड 1 है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, AC का जो डिस्प्ले है ना वो यहाँ मिलेगा आपको, नीचे नहीं मिलेगा। उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल का है ना, वो आपको ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। ये भी अच्छी है, अच्छी बात है वैसे तो, ताकि बंदा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा। ओके, अब इसका वॉइस कमांड दिखाता हूँ कैसे काम करता है। फैन की स्पीड 1 है, ठीक है। अब मैं वॉइस कमांड यूज़ करूँगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास बटन है इसका वॉइस कमांड का ना, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा बटन को। सेट फैन स्पीड टू 3, सेटिंग फैन स्पीड टू 3। सिंपल। ये कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं जो कि इसको और भी एक नेक्स्ट लेवल देते हैं कार को। सेफ्टी में तो सबको पता है ये टॉप लेवल पे है गाड़ी, ठीक है। फिट फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है इस कार में, ठीक है। गाड़ी में आपको प्रीमियम लुक्स मिलते हैं, प्रीमियम फीचर्स टाइप मिल जाते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इन हर बटन्स में, कार्बन करते क्यों फ्यूल वेस्ट करूं मैं अपना, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो हर बटन्स में आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में भी मिलेगा आपको, स्क्रॉल बार में मिलेगा, यहाँ पे भी मिलते हैं आपको, हर बटन के बीच में आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। AC वेंट में मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है आपको, सारे AC वेंट्स में मिलेगा आपको ये सेम। AC वेंट्स के जो ये हो गए इसके कंट्रोलर या जो भी कहोगे आप, इसमें भी आपको ये मिलता है, क्रोम इंसर्ट मिलता है। मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि जो कलर थीम है मेरी, जो कार का कलर है ना वो सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर में इन्होंने ब्लैक और क्रोम दिया है, पियानो ब्लैक। अगर मैं कोई और कलर ऑप्ट करता, जैसे एक्सप्रेसो ब्राउन था इसमें, तो मेरे को ये ब्राउन इंसर्ट मिलते AC वेंट में उधर, ये तो फिर भी ब्लैक होता। बट जो मेरा वो वाला AC वेंट है ना, उसमें मेरे को मिलता ब्राउन वाला, और क्रोम इंसर्ट तो जरूर होता है उसमें, ठीक है। वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती वो चीज़,
इंटीरियर का जो थीम है ना ब्लैक और ग्रे है, तो जो पियानो ब्लैक और क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सबसे बेस्ट रहता है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, मेरे को नीचे एसी में भी आपको क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे एंड 12V के सॉकेट में भी उनको क्रोम इंसर्ट मिलता है। ये कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जो कि इस कार को एक प्रीमियम लुक जरूर देती हैं, मैं तो यही कहूंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड और लोगों को भी